राधे राधे गाय इट्स अ न्यू डे विथ माय न्यू ब्लॉग। सो आज है बिहू। सो सकुके मैं माघ बिहुर शुभेच्छा जानालो। सो आज बिहू का टाइम में मैं आया हूँ अपना विलेज में। लाइक ऐसे तो आता वाता नहीं हूँ, मतलब बहुत टाइम के बाद आया हूँ यहाँ पे, बिकॉज मम्मी का होम टाउन है तो बिहू में आना पड़ता है हम लोग को। तो बहुत मे बी आफ्टर 7 to 8 months के बाद मैं आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, पीस महसूस हो रहा है आके। तो सोचा आप लोग को मैं अपना होम टाउन लाइक मतलब गाँव एक्सप्लोर कराता हूँ, लाइक टूर कराता हूँ। तो ये जगह आप देख पा रहे, शुरू करते इस जगह से। ये है पोथार, जहाँ पे धान वान लाइक खेती वेती करता है आदमी लोग, यहीं पे करता है। अभी सब सूखा हुआ है क्योंकि बारिश का टाइम में स्टार्ट किया जाएगा। और ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग पहले क्रिकेट खेलते थे। बचपन में आके हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, बहुत कुछ करते थे यार, मतलब इतना अच्छा लगता था ना। लेकिन वो दिन अभी याद करते हैं, सिर्फ ये पलों में है, टाइम में रह गए। लेकिन ऐसे नहीं तो क्या बोलेंगे यार गाइस, जो मज़ा आता था ना अभी वो मिस कर रहा हूँ मैं। तो मेरा साथ मेरा फीलिंग्स को मैं इतना अच्छे से नहीं बोल पा रहा, आप लोग समझ जाइए। तो चलिए मैं आप लोग को अच्छे से टूर कराता हूँ अपना विलेज। ये तो देख लिया, यहीं से धान वान निकलता है, यहीं से हम लोग चावल खाता है। और वो रहा घर, आप देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली अभी पहुँच गए घर का अंदर। ये रहा घर और ये रहा हमारा कुत्ता लोग, बकरी भी इधर है। और ये है गाय चराने का जगह, जहाँ पे गाय वाय चराते हैं यहीं पे रखते हैं हम लोग। गाय अभी तो है नहीं फिलहाल, वो तो गया नदी का उस पार। और ये रहा ढेक, जहाँ पे चावल को गुरा करते हैं और पीठा बनाते हैं। और ये देखिए कुत्ता सब, उई उई उई, छोटा बच्चा है ना इसलिए जाके पूरा काटते रहता है उंगली उंगली में, पर बनमास है। एक का नाम है कालू, एक का नाम है गुल्लू। और ये दो तो बकरी, इसका नाम है सफ़ेद, इसका नाम है कालू। और ये रहा फैमिली, आपको पूरा दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ है। और मेन चीज़ दिखाना आपको भूल गए हैं, किचन। चलिए किचन का शेयर कराते हैं, देसी किचन का ऊपर। तो चलिए ये रहा मेरा दीदी किचन पे लेके जाते हुए हमें बता रहे हैं कि देसी किचन किसे कहते हैं। और ये देखिए देसी किचन, इधर में बनाते हैं खाना इस जगह में। और इसका खाना ना भाई इतना अच्छा है ना, जो इतना स्वादिष्ट है ना, जो लाइक चूल्हा में बनाते हैं ना गैस वैस में, वो भी एकदम है। और देख लीजिए किचन टू ऐसा रहता है, गांव का बेरा से बना हुआ, इसी यही चीज़ है पीस। और खाना खाने के बाद हकते का है, निकालते का है, वो चीज़ दिखाना जरूरी है। चलिए चल चलिए जल्दी जाके दिखाते हैं आपको हकते का है। दौड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि घर का बहुत दूर में रहता है हकने का जगह, और फटाफट जाते हैं हम लोग। और ये दूसरा घर है, दूसरा घर में ही हकने का जगह। चलिए पहुंचने वाले हैं और ये पहुंच गए हैं। ये है देसी टॉयलेट, इसमें जाके हम लोग हकते हैं खाना खाने के बाद। जितना भी खाते हैं यहीं पर निकालते हैं। और ये देखे यार, मौसम का मज़ा लेते हुए हम लोग हकते हैं। सोचिए मौसम का मजा लेते हैं। एक दूसरा घर है, इधर में जो भी हगने का मन होता है वो लोग इधर आते हैं, रुका रहता है, उनका बारी आने के बाद ही वो हगने जाते हैं। सो गाइस अभी आप लोगों को दिखा चुका है मैंने कि खाने का जगह और हगने का जगह, हर चीज दिखा चुका है मैंने। अभी अभी मेन चीज आपको दिखाना बाकी है कि नहाने का जगह, नदी। यहाँ पे एक नदी भी है गाइस, आपने सही सुना है, यहाँ पे नदी भी है। नदी आपको दिखाता हूँ, आप वो चीज दिखेगा ना जहाँ पे नहाता था ये नंगा नंगा, ये वाला बच्चा नहाता था नंगा नंगा। तो आपको दिखाते इससे आके पूछते नदी यहाँ से कितना दूर है और कैसे लगता है वो नदी दिखने में। और आपको भी दिखेंगे, पहले इससे पूछ लेते हैं, भाई तुमको नदी कितना दूर है यहाँ से? थोड़ा दूर। और कैसा लगता है नहा के? बहुत आनंद लगता है। लगता है? और क्या मजेदार है कि नहीं? तुम नंगा नहाता था कि नहीं? हाँ। नंगा हाँ। नहाता था, नहाता हाँ। नहाता था। चलो साहिश, उसने खुद 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 बोला है कि वो नंगा नहाता था। अभी जाके चेक करते हैं नदी कितना दूर में है। सो गाइस नदी देखने के लिए हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही खतरनाक खतरनाक जगह है। और यहाँ दीदी जंप मारते हुए और ये बच्चा हम लोग को लेके जाते हुए, कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है हमें भी पता नहीं है गाइस।
कौन सा गली से घुसा के लेके जा रहा है। अभी यही जानता है कि नदी में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ही हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा है और नदी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ही दूर में दिखाई देगा आप लोगों को, जाके आपको दिखाता है नदी। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं नदी के पास और नदी मुझे आग का सामने मुझे दिखाई दे रहा है और ये बच्चा हम लोग को फाइनली लेके आ गया कहाँ कहाँ से, बहुत जल्दी लेके आए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नदी, इस जगह देख पा रहे हैं वार्निंग बोर्ड भी लिखा हुआ है कि इस जगह में अभी नहाना मना है, क्योंकि इस जगह में 3-4 बच्चा अभी मर चुका है और पानी अभी कम है। फिलहाल उसका पार जो दिखाई दे रहा है ना, उस जगह में आदमी लोग पहले जाता था हगने के लिए, हग के इसी नदी में कोटी धोता था गाइस, इसी जगह में वो चीज़ है। और बोगोरी का गाज भी, हम लोग बोगोरी खाने के लिए उसी जगह जाते थे। और ये बहुत बहुत ज़्यादा पीसफुल नदी है, आप देख सकते हैं यार। आपको कुछ सिनेमेटिक शॉट्स भी दिखाता हूँ मैं, फिर जाके आपसे बात करते हैं। सो गाइस नदी में पहुंच गए और नदी भी देख लिया और आप लोग को भी दिखा दिया, ये नदी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और बच्चा वहाँ पे पाँव धोने के लिए गया है, फाइट हुआ वहाँ पे, देखिए पाँव धो रहा है। ये लोग बढ़िया है गाइस, इसी जगह में मतलब क्या बोलूँ आप लोग को, ये बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा है इस जगह में, मतलब मज़ा आ गया गाइस। और आप लोग को और बहुत सारा चीज़ें हैं जो दिखाना बाकी है, धीरे धीरे वो सब भी एक्सप्लोर कराता हूँ मैं। चलिए तो चलते हैं गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइस आपको एक मेन चीज़ बोलना तो मैं भूल ही चुका हूँ यार, इस जगह में भूत भी है। हाँ आपने सही सुना है, भूत, घोस भी है इस जगह में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो घास दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो घास, इसी घास में भूत है गाइस, इसी घास में। आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा घास है, पूरा इस जगह से कनेक्ट होके पूरा इस जगह तक जाता है गाइस, इस जगह में भूत है, भूत, सही सुना है। रात को 12 बजे जो भी इस साइड से आता है ना पैदल, तब ये पूरा गाछ हिल जाता है पूरा एकदम, और छन छन आवाज का भी आवाज आता है, मतलब भूत है गाइस इस जगह में। आप लोग कभी आइएगा तो इस जगह में जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा रात को 12 बजे जहाँ पे भूत रहता है। ये जगह गाँव का एरिया बहुत डरावना होता है, भूत रहता है गाइस गाँव में। आज बिहू है, जो बिहू, ओ आपको पहले बिहू का बाद में बताते। ये देखिए ये इंसान तो मूत रहा है, यहाँ पे मूत रहा है, अभी छुपा दिया यार, क्या बोलूँ इसका बात। अभी आप देख सकते हैं मैं कौन सा टॉपिक में था, मैं अभी बोलता हूँ आप लोगों को। ये देख पा रहे हैं, ये है खैर जहाँ पे इसी से भेरा घर सब बनता है गाइस। और ये चीज़ शहर में खरीदने जाए तो 3-4 हज़ार लेता है, लेकिन यहाँ पे फ्री में गाय सब यही सब खाता है। गाय तो अभी नहीं है, आप इसी से संतुष्टि कीजिए। और ये देखिए, ये हम लोग का बगान, हर टाइप का गाछ आपको मिलेगा यहाँ पे, हम लोग का बगान। यहाँ पे नारियल का गाछ है, तामुल का गाछ है, हर जगह में गाछ ही गाछ है। आप लोग को हर चीज़ दिखा दिया गांव में क्या क्या होता है, तो अभी मेन चीज़ दिखाते हैं जो बहुत ही पीसफुल है, गांव का मंदिर। गांव का मंदिर दिखाते हैं, ये है भोलेनाथ का मंदिर जो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। और यहाँ पे नाम पर जब नहीं करते आप लोग को अंदर से नहीं दिखा देते, बिकॉज अंदर आदमी लोग हैं नाम पर है, तो मैं वो लोग का रेस्पेक्ट करता हूँ, तो जाना नहीं चाहता। तो कोई नहीं, कभी दूसरा दिन आपको दिखा दूंगा। और गांव का रास्ता तो भाई क्या ही बोले, शहर का रास्ता नहीं बनता लेकिन गांव का रास्ता बन जाता है। आपको गांव का रास्ता दिखाते हैं साथ में, देखिए गांव का रास्ता, शहर का रास्ता, मेरा गली अब तक नहीं बना है भाई, रास्ता देखिए गांव का रास्ता बन गया। और वहां पे हम लोग का गाड़ी खड़ा है जो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। देखिए यार इतना बड़ा बड़ा गाछ रहता है ना, मैंने पहली बार लाइफ में देखा है, इतना बड़ा बड़ा गाछ यार, गाइस क्या ही बोलेंगे यार। तो गाइस अभी घर में पहुंच चुके हैं, बहुत पैदल चला और घर पहुंच गया फाइनली। सो अभी मैं खाना वाना खाता हूँ, पीठा खाता हूँ, क्योंकि आज भी हुए तो पीठा लाड़ू खाना ज़रूरी है यार, समझा कीजिए। आप लोग को अभी थोड़ा देर के लिए अलविदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे गर्म पानी किया जा रहा है नहाने के लिए, क्योंकि इस ये वाला हम लोग का मामा को ठंडा लग रहा है। और शहर में तो भाई ग्रीजर होता है तो करना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे देखे गर्म पानी करने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है आग चला के। इसको कहते हैं गांव, विलेज। तो मिलते हैं जल्दी आपसे। सो गाइस जैसे कि आप लोग ने देख लिया, मैं खाना वाना खा के आ गया पूरा, और इवनिंग भी हो रहा है मौसम। अभी यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। सो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कैसा वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा वैसा बनाने का। और तब तक के लिए अलविदा आज के लिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।